लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी लिस्ट जो आपस में लिंक करती हो। लिंक का मतलब क्या? कनेक्टिविटी दिखाती हो। अ लिंक लिस्ट और ए वन वे लिस्ट, इसे हम वन वे लिस्ट बोलते हैं। वन वे लिस्ट हम क्यों बोलते हैं, एक बार आप इसका डायग्राम देखो। लिंक लिस्ट क्या होती है, आपकी आपका स्टार्टिंग नोड होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसे हम बोलते हैं नोड। जो ये आपको दिखाए गए हैं स्टार्टिंग में, ये आपके होते हैं नोड्स। नोड्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स, ठीक है। इन्हें हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर नोड्स बोलते हैं। तो इसके अंदर ये आपकी लिस्ट है, इसके अंदर बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा नोड्स हो सकते हैं। आप जितने मर्जी चाहे नोड्स ले सकते हो। हर एक नोड के दो पार्ट्स होते हैं। यहाँ एक नोड आपको बना के दिखा रही हूँ, ये आपके एक नोड है और इसके हर एक नोड के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट होता है, वो होता है हमारा इन्फो पार्ट, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू मुझे स्टोर करनी हो, जैसे हम एरे के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे थे, एरे के मान लो हमने यहाँ पे मिल्क स्टोर किया है, ठीक है। तो ये मिल्क मेरी क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो मेरा इसके इन्फो पार्ट में यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, मिल्क, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है, ये होता है हमारा लिंक पार्ट। लिंक, ये लिंक किस लिए काम आता है, ये लिंक हमारा कनेक्टिविटी के लिए काम आता है। इस लिंक पार्ट के अंदर मेरे नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। जैसे मान लो ये नोड है मेरी, इसका एड्रेस हो गया मेरा 10, इसका एड्रेस हो गया मेरा 11, इसका एड्रेस हो गया मेरा 12, इसका एड्रेस हो गया 13, इसका एड्रेस हो गया 14 और इसका एड्रेस हो गया 15, ठीक है। इस तरीके से ये मेरे लिंक लिस्ट है। तो मेरा क्या होगा, मान लो कि मुझे इस तरीके का जो डाटा है वो स्टोर करना है। मान लो मुझे स्टोर करना है ए बी, ये मैं एरे बना रही हूँ, एरे में डाटा स्टोर है फिलहाल ये, ठीक है, डी और लास्ट में ई, ठीक है। ये जो है ये मैंने एक एरे बनाया है जिसके अंदर मेरे 5 एलिमेंट स्टोर हैं, ए बी सी डी और ई। अब मुझे इस एरे वाले एलिमेंट्स को भी इस लिंक लिस्ट में स्टोर करना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहला जो मेरा एलिमेंट होगा ए, मैं उसको फर्स्ट नोड में स्टोर करूंगी। ए, ये मेरा इन्फो पार्ट है नोड का, तो मैंने उसमें ए की वैल्यू स्टोर कर दी। और ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए इसका जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर होगा, स्टार्ट के अंदर, कि यहाँ से जो मेरी लिस्ट है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जो 10 की वैल्यू है वो इस स्टार्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस नोड का जो ये लिंक पार्ट है, इस लिंक पार्ट में क्या स्टोर होगा, मेरे इसके नेक्स्ट नोड की वैल्यू। नेक्स्ट नोड मेरा क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस कितना है, 11। तो इस नोड के अंदर मेरी 11 का लिंक होगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि ए के बाद जो नेक्स्ट नोड है वो कौन सी है। और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट नोड स्टोर होगा बी, बी के बाद नेक्स्ट नोड कौन सा होगा, सी, सी के बाद डी और डी के बाद ई, ठीक है। और इसी तरीके से हम एक और ले लेते हैं, ई के बाद एफ। तो ये मेरे 6 नोड्स मैंने स्टोर कर दिए, और हर एक नोड के अंदर दूसरे नोड का एड्रेस लिंक होगा, कनेक्टिविटी होगी आपस में, जिससे हमें ये पता लगेगा कि एक नोड के बाद कौन से वाला दूसरा नोड आएगा। और आप देखोगे तो जो लास्ट एलिमेंट है उसके लिंक पार्ट में क्रॉस का साइन है। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर नेक्स्ट कोई भी नोड नहीं है, कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब अब जैसे मैं यहाँ देखूँ, हमने एफ तक वैल्यू स्टोर की है, तो यहाँ पे एफ भी आ गया। एफ मेरा लास्ट एलिमेंट है, एफ के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस का साइन लेती हूँ कि एफ के बाद कोई नेक्स्ट नोड नहीं है जिसका एड्रेस जो है मैं इसके अंदर स्टोर कर सकूँ। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये देखो यहाँ दिखाया गया, ये इंफॉर्मेशन पार्ट है, ठीक है, और ये मेरा नेक्स्ट पॉइंटर के लिए लिंक पार्ट है। अब हम देखते हैं ऊपर, अ लिंक लिस्ट और वन वे लिस्ट। इसे हम वन वे लिस्ट में बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही तरफ, एक ही रास्ता जा रहा है। देखो आप देख रहे होगे, सिर्फ इसी तरह के से एरो जा रहे हैं, इधर ही एरो जा रहे हैं, कोई भी एरो आपको ऐसे अपोजिट नहीं दिखेगा, एक ही तरफ एरो जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, वन वे लिस्ट, इसपे सिर्फ एक ही रास्ता है, आप लेफ्ट टू राइट ही जा सकते हो, इसीलिए इसे हम वन वे लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज अ वन वे लिस्ट, इट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स। इसे हम लीनियर डाटा एलिमेंट्स ही बोलेंगे, क्योंकि एक लाइन में जो डाटा हमारा स्टोर हो रहा है,
कॉल्ड नोड्स। किसके अंदर हमारा डाटा स्टोर हो रहा है? ये हमारे क्या है? नोड्स है, ठीक है। नोड वेयर द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय मीन ऑफ पॉइंटर। जो लीनियर ऑर्डर होगा वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगा? पॉइंटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि हम जो क्या कर रहे हैं, ये जो ऑर्डर है कि कौन सी नोड के बाद कौन सी नोड आएगी, उसके बाद कौन सी नोड आएगी, किससे रिप्रेजेंट हो रहा है आपका? पॉइंटर्स के थ्रू, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, पॉइंटर्स का यूज कर रहे हैं। ये आपके पॉइंटर्स हैं जो हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं, एक दूसरे का एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं कि सेकेंड जो नोड है उसका एड्रेस फर्स्ट में स्टोर होगा, थर्ड नोड का एड्रेस सेकेंड में स्टोर होगा, फोर्थ नोड का एड्रेस थर्ड में स्टोर होगा। ये क्या है? हमारा पॉइंटर्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेयर द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। ईच नोड इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। हर एक नोड दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। द फर्स्ट पार्ट इज कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम अपने डाटा की एलिमेंट की वैल्यू डालेंगे जो भी हमें स्टोर करनी है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे डी लिखा है, तो डी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? इंफॉर्मेशन हो जाएगी। एंड द सेकेंड पार्ट कॉल्ड द लिंक फील्ड। जो सेकेंड पार्ट है उसे हम लिंक फील्ड भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी। मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी लिंक लिस्ट की, ठीक है। लेट लिस्ट बी अ लिंक लिस्ट। हम मान लेते हैं कि एक लिस्ट नाम की लिंक लिस्ट है हमारी मेमोरी में। देन लिस्ट विल बी मेंटेन्ड इन मेमोरी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इंप्लीफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट रिक्वायर टू लीनियर एरे। लिंक लिस्ट के हमेशा दो लीनियर एरे होंगे। दो लीनियर एरे इसके अंदर ट्रू होंगे, जिसके अंदर वी विल कॉल देम हियर इन्फो एंड लिंक। जिसके अंदर एक के अंदर हम इन्फो वैल्यूज डाल सके, जैसे इस एग्जाम्पल में दिया गया है, ये हमारी इन्फो वैल्यूज के लिए एरे बनेगा, ठीक है। और जो दूसरा एरे बनेगा वो आपका लिंक के लिए बनेगा, क्योंकि जो भी आप नोड बनाते हो, नोड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन पार्ट और दूसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो भी होगा, ठीक है। तो दो एरे बनेंगे, एक के अंदर आपकी ये वैल्यूज आएंगी इंफॉर्मेशन, और दूसरे के अंदर आपका उनका लिंक पार्ट आएगा, ठीक है। देखो एक चीज है, जैसे कि आप लोग यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, एरे के अंदर क्या होता है, कंसेक्यूटिव एड्रेसेस होते हैं। मतलब अगर मैं एक एरे की बात करूँ तो जिसमें डाटा स्टोर होगा वो कंटिन्यूसली स्पेस में डाटा स्टोर होगा। जैसे कि 1 से लेके 10 तक डाटा इकट्ठा एक लाइन में स्टोर होगा, एक साथ एड्रेसेस होंगे 1 से 10 तक। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर आपको देख रहे हो, एक एड्रेस आपका 1 लोकेशन पे स्टोर है, उसके बाद आपका 3rd पे स्टोर है, उसके बाद 4 पे स्टोर है, और 5 पे स्टोर है, फिर 7, 8, 9 पे स्टोर है। मतलब बीच बीच में स्पेस खाली पड़े, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि 1 पे स्टोर है, 3 पे स्टोर है, ये भी लगातार स्टोर नहीं है। यहाँ आप देखोगे स्टार्ट के अंदर मेरा सबसे पहले क्या स्टोर है? 5 स्टोर है। इसका मतलब जो मेरी फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस कितना है? 5 है, ठीक फाइव है। तो इस स्टार्ट के अंदर मेरा फर्स्ट नोड चला जाएगा। अब 5 का मतलब क्या है? यहाँ पे स्टार्ट के अंदर गया 5, ठीक है। तो 5th पोजीशन पे, यानी कि 5th एड्रेस पे मेरी जो वैल्यू स्टोर है एडम्स, वो मेरा क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है लिंक का, यानी कि यहाँ पे जो मेरा स्टोर है वो है एडम्स, ठीक है। उसके बाद मैं 5 के लिंक पार्ट में देखूंगी, ये मेरे इन्फो की एल्गो है, इन्फो का एरे, और ये मेरे लिंक का एल्गो है। अब ये देखो कि आपकी एडम्स के लिंक पार्ट में, यानी कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर है? यहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर है 3। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर है? यहाँ पे आप देखोगे 3 वैल्यू स्टोर है। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो मेरा कहाँ स्टोर होगा? 3 के ऊपर। यानी कि इसके लिंक में 3 है, इसका मतलब मेरे नेक्स्ट वैल्यू के जो एड्रेस है वो 3 है, ठीक है। उसके बाद जब मैं 3 पे जाऊंगी तो 3 पे मेरी कौन सी वैल्यू स्टोर है? डीन। तो इसके पास यहाँ पे मेरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी डीन, और डीन के लिंक पार्ट में कौन सी वैल्यू है? 11। यानी कि जो मेरे नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो मेरा कितना होगा? 11 होगा। 11 पे अब मैं 11th पोजीशन पे जाऊंगी, 11th पे आऊंगी मैं, यहाँ पे आप देखो कि 11th पे क्या स्टोर है मेरा? फील्ड। यानी कि 11th पे मेरा जो है एफ फील्ड स्टोर हो जाएगा,
और फील्ड के लोकेशन में वैल्यू कौन सी स्टोर है, 8, ठीक है। तो यानी कि एट फील्ड के बाद जो नेक्स्ट मेरा एड्रेस होगा वो होगा 8, और 8 पे जब मैं एट जाके देखूंगी तो मेरी वैल्यू स्टोर है ग्रीन, ग्रीन तो 8 पे मेरा ग्रीन स्टोर होगा। अब ग्रीन के लिंक में है 1, इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू मेरी 1 पे स्टोर होगी, ठीक है। अब मैं 1 पे जाऊंगी तो वहां मैंने देखा है कर्क लिखा हुआ है, तो जो मेरा नेक्स्ट नोड होगा उस पे मेरी वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, कर्क कर्क स्टोर हो जाएगी, और उसका एड्रेस कितना था 1। अब उसके लिंक में मैं देखूंगी तो 7 स्टोर है, तो नेक्स्ट वैल्यू मेरी 7 पे जाएगी, 7 पे मेरा क्या स्टोर है लेन, तो इसके बाद जो भी देन मेरा नोड होगा वहां पे मेरा लेन स्टोर होगा, और उसका एड्रेस कितना था 7। इसके लिंक में मैं देखूंगी तो 4 स्टोर है, अब 4 पे मैं जाऊंगी, 4 पे स्टोर है मैक्सवेल, मैक्सवेल पे जाऊंगी तो 12 पे स्टोर है नेक्स्ट वैल्यू, 12 पे जाऊंगी तो देखूंगी नलसन है मेरी नेक्स्ट वैल्यू, उसके एड्रेस में कितना है 9, नेक्स्ट वैल्यू मेरी 9 पे नाइन जाऊंगी, 9 पे देखोगे तो सैमुअल्स है, और 9 के लिंक पार्ट में वैल्यू जो है 0 है। 0 का मतलब क्या होता है, नल, वॉइड, ठीक है। तो जो मेरा लास्ट नोड होगा, हमने देखा था लिंक लिस्ट के अंदर कि जो भी लास्ट नोड होगा उसमें आपका क्रॉस लगाया हुआ था कि उसके बाद और वैल्यू स्टोर नहीं है, वो लास्ट वैल्यू है। तो 9th पे जो मेरी वैल्यू स्टोर है एस सैमुअल्स, उसके बाद 0 है, इसका मतलब उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, वो मेरा लास्ट एलिमेंट। तो सबको क्लियर हुआ कि मेमोरी में लिंक लिस्ट कैसे स्टोर होता है, रैंडमली स्पेस होते हैं इसमें, आप देख रहे हो कोई 1 पे स्टोर है, कोई 3 पे स्टोर है, कोई 9 पे स्टोर है, और सीक्वेंस क्या बनी आपकी, पहले वाली वैल्यू कहाँ स्टोर है, देखो 5 पे स्टोर है, फाइव नेक्स्ट वैल्यू मेरी स्टोर है 3 पे, नेक्स्ट पे थ्री वैल्यू मेरी स्टोर है 11 पे, पे उसके इलेवन बाद पे नेक्स्ट वैल्यू स्टोर है 8 एट पे, फिर 1 पे, फिर 7 पे, और फिर उसके बाद 7 के बाद है 4 पे, 4 पे 12 4 के बाद है 12 पे, 12 के बाद है 9 पे, नाइन और फिर मेरी लास्ट वैल्यू है। तो यानी कि ये मेरी सीक्वेंस बनी है लिंक लिस्ट की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, कि मेरी वैल्यू जो है वो किस तरीके से स्टोर हो रही है। अब आप देख रहे हो रैंडमली स्पेस है, कोई इसके अंदर सिनेरियो नहीं है, लेकिन जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम अपने वैल्यूज को लीनियर वे में रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो एक साथ हम रीड कर सकते हैं कि फर्स्ट पोजिशन ए है, फिर डी है, फिर एफ है, फिर जी है, फिर के है, फिर एल है, इस तरीके से। तो दो एरे हमने यहाँ पे किए हैं, एक इन्फो के लिए और एक लिंक के लिए। द इन्फॉर्मेशन पार्ट एंड द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ अ नोड ऑफ लिस्ट, लिस्ट आल्सो रिक्वायर अ वेरिएबल नेम सच एज स्टार्ट। जो भी लिस्ट आपकी स्टार्ट होगी उसको एक पॉइंटर का नाम चाहिएगा, हम उसे स्टार्ट नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, विच कंटेन्स द लोकेशन ऑफ बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। जो भी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके लिंक को ये कंटेन करेगा, ठीक है। ये सेम वैसा ही एग्जाम्पल है जैसे अभी हमने किया था, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का 9 से, स्टार्ट हो रहा है 9 से, इसका मतलब जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है वो कहाँ स्टोर है, 9th पोजीशन पे स्टोर है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे इसके लिंक पार्ट में है 3, यानी कि इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 3 पे स्टोर है। 3 पे आप लोग देखोगे ओ वैल्यू स्टोर है, तो नेक्स्ट मेरा लोकेशन क्या है 3, और वैल्यू मेरी कितनी है ओ, हम वैल्यू भी साथ में लिख लेते हैं, और 9 पे मेरी वैल्यू थी एन, ठीक है। अब इसके लिंक पार्ट में 6 वैल्यू स्टोर है, इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू मेरी कहाँ स्टोर होगी, 6th पोजीशन पे। यहाँ पे आप देखोगे ये सिक्स वैल्यू पे कौन सी स्टोर है, डी लिखा हुआ आई थिंक, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू स्टोर है डी, और इसके बाद 6th पोजीशन पे ये स्टोर है, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है उस पे मैं जाऊंगी 11th पोजीशन पे। 11th पोजीशन पे आप देखोगे ई स्टोर है, 11th पोजीशन पे आपका ई स्टोर है, और ई के बाद नेक्स्ट पॉइंटर मेरा कहाँ स्टोर होगा, 7th पोजीशन पे। तो मैं 7th पे जाऊंगी, 7th पे आपका है एक्स स्टोर, उसके बाद आप 10th पोजीशन पे एक्स जाओगे, 10th पोजीशन पे आपका स्टोर है आई, 10th आयु पोजीशन पे आपका आई स्टोर है, उसके बाद आप जाओगे 4th पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे आपका टी स्टोर है, और उसके बाद आपका 0 आ गया, इसका मतलब ये हमारी लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट था, ठीक है। तो आपकी ये लिंक लिस्ट बन गई, ठीक है, कि आपका पॉइंट जो है वो स्टार्ट से शुरू
शुरू होगा और आपका फर्स्ट नोड के अंदर नाइन स्टोर होगा और उसके अंदर सॉरी एन स्टोर होगा, आपका एन स्टोर होगा और उसका एड्रेस कितना होगा नाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू होगी आपकी, उसके अंदर आपका ओ स्टोर होगा और उसका एड्रेस कितना होगा थ्री। इस तरीके से आपकी लिस्ट बनती जाएगी और जो लास्ट नोड आपकी बनेगी वो बनेगी, उसके अंदर आपका टी स्टोर होगा और उसका एड्रेस होगा फोर और उसके नल पार्ट में जीरो वैल्यू होगी।